मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था कि जब लेबर मार्किट गुड्स मार्किट और एसेट्स मार्किट जब सब इक्म में होते हैं तो फिर हमने देखा था कि प्राइसिस में और मनी सप्लाई में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो जाता है ठीक है कि मनी सप्लाई इंक्रीज होती है अगर डबल होती है तो हमने देखा कि प्राइस लेवल भी डबल हो जाता है तो आज इसी बात को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और हम इन ऑफ प्राइस लेवल हम इन्फ्लेशन की टर्म में बात करेंगे आप जानते हैं इन्फ्लेशन की टर्म जो है ये ज़्यादा पॉपुलर टर्म है पॉलिसी मेकर्स भी अक्सर इसकी बात करते हैं पब्लिक भी इसके बारे में कंसर्न होती है तो प्राइस लेवल एक तरह सा एक और एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है तो हम इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इस सारी बात को आज स्टडी करेंगे ओके okay. सो so, इन्फ्लेशन क्या है इन्फ्लेशन इज अकॉर्डिंग टू आर प्रीवियस एनालिसिस हमने देखा कि प्राइस लेवल जो है वो उसके साथ रिलेटेड है मनी सप्लाई के साथ तो इन्फ्लेशन को कैसे डिफाइन करेंगे इन्फ्लेशन आप जानते हैं चेंज इन द प्राइस लेवल जो है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं सो प्राइस लेवल उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड था तो इट मीन्स इन्फ्लेशन इज़ आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द मनी सप्लाई ओके okay. सो so, जो हमारी एसेट मार्केट इक्ब्रियम कंडीशन थी वो मैं यहाँ पर दोबारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पी इज़ इक्वल टू एम ओवर रियल मनी डिमांड पी इज़ द प्राइस लेवल एम इज़ द नॉमिनल मनी सप्लाई एंड एल इज़ द रियल मनी डिमांड। ओके सो हमने देखा कि अगर सारी मार्केट्स इक्ब्रियम में है तो वाई कांस्टेंट होगा इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट होगा सो मनी डिमांड कांस्टेंट है तो मनी प्राइस लेवल और नॉमिनल मनी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ओके okay. अगर इसी इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट लिखें सो यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड पर होगा इसी क्वेश्चन को जब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट लिखेंगे तो ग्रोथ रेट्स की डिस्कशन भी हम जब हमने लॉन्ग रन इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एबल एंड बनैन की बुक के अपेंडिक्स में आप जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनके ग्रोथ रेट्स का क्या रिलेशनशिप होता है डिवाइड हों तो ग्रोथ रेट्स का क्या रिलेशनशिप होता है और इस तरह की और डिटेल्स वहाँ पर मौजूद हैं आप उसको आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं एनी हाउ विद द हेल्प ऑफ जो फार्मूलाज हैं इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर चेंज इन पी ओवर पी दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस लेवल और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइस लेवल में जो ग्रोथ होती है जो चेंजेज आती हैं उसी को इन्फ्लेशन सो लेफ्ट हैंड साइड पर वी हैव द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस लेवल लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आ, आ, दो एम ओवर एल था ना सो so, ये दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो इनके ग्रोथ रेट्स जो होंगे ये माइनस हो जाएंगे हम इस इक्वेशन को एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम इक्वेशन को जब हम इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ रेट्स लिखेंगे तो ये वाली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये इक्वेशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइस लेवल सिंपल वर्ड्स में दिस इज़ योर इन्फ्लेशन रेट एंड ऑन दिस अदर साइड दिस इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ रियल मनी डिमांड एम से आप रियल मनी डिमांड को ऊपर डिवाइड कर रहे थे तो जब आप ग्रोथ रेट्स की फॉर्म में से लिखेंगे तो फिर डिमिनेटर के ग्रोथ रेट में से आप डिनोमिनेटर के ग्रोथ रेट को माइनस कर देंगे ओके सो इफ द एसेट मार्केट इ दिन एक्म क्योंकि ये एसेट मार्केट इक्लिब्रियम की कंडीशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसको लेके चल रहे हैं सो द इन्फ्लेशन रेट इक्वल्स द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ रियल मनी डिमांड इन्फ्लेशन अब कैसे डिटरमिन हो रहा है इन्फ्लेशन दो चीज़ों से डिटरमिन हो रहा है नंबर वन द ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई नंबर टू द ग्रोथ रेट ऑफ रियल मनी डिमांड उसमें से नामिनल मनी सप्लाई के ग्रोथ रेट में से जब आप माइनस कर रहे हैं तो वो आपके पास इन्फ्लेशन रेट आ रहा है ओके okay. सो टू प्रिडिक्ट इन्फ्लेशन अगर हम इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि यह कितना होगा सो वी मस्ट फोरकास्ट बोथ मनी सप्लाई ग्रोथ एंड द रियल मनी डिमांड ग्रोथ दो चीजों का हमें पता चल जाएगा तो फिर उसकी बेसिस पर हम इनफ्लेशन को फोरकास्ट कर सकेंगे इन द लॉन्ग रन इक्लिब्रियम वी विल हैव आई कॉन्स्टेंट सो लेट्स लुक जस्ट एट द ग्रोथ वाई रियल मनी डिमेंड में दो चीजें ना ठीक है मैं दोबारा इक्वेशन आप देख लें रियल मनी डिमांड में दो चीज़ें एक आपके पास वाई है और दूसरा ये आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और ये आर प्लस इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं वी आर अज्यूमिंग दैट आई इज कॉन्स्टेंट और इस इस एजम्पन की भी आ, हमारे पास जस्टिफिकेशन ये है कि सिंस हम लॉन्ग रन एक्ब्रियम की बात कर रहे हैं सो लॉन्ग रन एक्ब्रियम जब होगा तो आपका ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ग्रोथ रेट ऑफ मनी

सो दिस इज द इटा by द इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम कि अगर इनकम में एक परसेंट इजाफा होता है तो उससे मनी डिमांड में कितने परसेंट इजाफा होगा ये आपके पास ये इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको बताती सो इक्वेशन so, जो थी लास्ट इक्वेशन हमने डिस्कस की आप याद होगा कि इस साइड पर आपके पास क्या था ग्रोथ रेट ऑफ प्राइसिस ठीक है इसको हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं ऑन दिस साइड वी हैव द ग्रोथ रेट ऑफ नामिनल मनी सप्लाई और आई को हमने चूंकि कॉन्स्टेंट कर लिया तो रियल मनी डिमांड जो है इसको आप लिख सकते हैं इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ रेट ऑफ वाई सो एक नमेरिकल एग्जांपल थे हम इसको ये बात और क्लियर हो जाएगी सपोज आउटपुट ग्रो कर रही है एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट ओके एंड इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम इज टू बाई क्या मतलब हम आप रिकॉल करें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इनकम में जब इजाफा होता है तो मनी डिमांड में इजाफा होता है लेकिन ये इजाफा वन टू वन नहीं है इनकम में जब इजाफा होता है तो मनी डिमांड में उससे कम इजाफा होता है ये हम डिटेल से इस बात को डिस्कस कर चुके हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज नॉट वन इट इज़ टू बाई थ्री नाउ सो द ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई हम अज्यूम करेंगे टेन परसेंट है तो इन्फ्लेशन कितना होगा ये वैल्यू तो आप इसमें पुट कर दें ओके okay? सो ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई टेन परसेंट टेन माइनस इलास्टिसिटी इसकी है टू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री परसेंट सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा टेन माइनस टू दैट इज एट परसेंट तो इस सिचुएशन में जब आपके पास इनकम ग्रो कर रही है थ्री परसेंट से नॉमिनल मनी सप्लाई ग्रो कर रहा है टेन परसेंट से और इलास्टिसिटी टू बाई थ्री है तो इन्फ्लेशन होगा एट परसेंट सो so, एप्लीकेशन इसकी रियल वर्ल्ड में क्या सूरत हाल होती है मनी ग्रोथ का और इन्फ़्लेशन का क्या ताल्लुक है इसमें हम यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है इसके हम अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे कि जब वो अपनी ट्रांजिशनल फेज में थे जब वो कम्युनिज्म से मूव कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ ट फ्री मार्केट सिस्टम की तरफ तो उस अरसे के दौरान क्या सूरत हाल थी क्या रिलेशनशिप था बिटवीन मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन में ओके बोथ द ग्रोथ रेट्स ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इन्फ्लेशन यस मनी डिमांड का ग्रोथ रेट भी और मनी सप्लाई का ये दोनों मिलकर डिटरमिन करते हैं इन्फ्लेशन को बट इन केस ऑफ हाई इन्फ्लेशन यूजुअली ग्रोथ रेट ऑफ नामिनल मनी सप्लाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉर्मल हालात में तो दोनों डिटर्मेंट करते हैं ठीक है लेकिन जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो उसमें यूजली रोल मनी सप्लाई का ज्यादा होता है मनी डिमांड का उसका रोल कम होता है इसको एक छोटी सी एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि ये इलास्टिसिटी है मनी डिमांड की ओके okay? इनकम के था टू बाई थ्री और एक हम सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें आपकी इनकम ग्रो कर रही 15 फिफ्टीन परसेंट एनुअली। ओबियसली फिफ्टीन परसेंट इज अ वेरी लार्ज नंबर लेकिन जस्ट हम इसको कंपेरिजन के लिए और बात समझने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि फिफ्टी है तो इसके बावजूद जबकि इनकम फिफ्टी परसेंट इनक्रीज़ कर रही है तो आपकी मनी डिमांड कितनी इंक्रीज करेगी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इलास्ट्रिसिटी के साथ ओके टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास टेन तो मनी डिमांड इंक्रीज होगी टेन परसेंट ओके और दूसरा अपोजिट सिनेरियो हम ले रहे हैं जिसमें बहुत ही पेनफुल सा सिचुएशन है कि एक आपकी इनकम ग्रो कर रही है एट द रेट ऑफ माइनस फिफ्टीन परसेंट इस सूरत हाल में आपके मनी डिमांड में कितनी चेंज आएगी माइनस टेन परसेंट तो ये दो हमने एक्सट्रीम केसेस लिए एक में प्लस फिफ्टीन परसेंट पॉजिटिव ग्रोथ है उसमें नेगेटिव फिफ्टीन परसेंट ग्रोथ है लेकिन इन दोनों सूरत हाल में जो मनी डिमांड में टोटल चेंज आती है वो टेन प्लस टेन से माइनस टेन यानी आप ये कह सकते हैं कि टोटल ट्वेंटी परसेंटेज पॉइंट्स की चेंज आ रही है जबकि इन्फ्लेशन तो समटाइम्स आप देखेंगे वो एटी हंड्रेड एंड समटाइम्स मोर देन हंड्रेड परसेंट उसमें इजाफा हो जाता है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन में जो इजाफा हो रहा है वो फिर ये मनी डिमांड की वजह से इजाफ़ा नहीं हो रहा उसकी मेन काज फिर यही बनती है कि मनी सप्लाई की वजह से इजाफा होता है सो मनी डिमांड डज नॉट वेरी मच ये ये तो हमने बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल ली ना फिफ्टीन परसेंट प्लस और माइनस इसके बावजूद भी इन्फ्लेशन उतना नहीं हो सकता मैक्सिमम कितना होगा उसमें इसका शेयर ट्वेंटी परसेंट उसको काज कर सकता है तो नो मैटर हाउ मच वेल आर पोअर एन इकोनॉमी बट नॉमिनल मनी सप्लाई ग्रोथ रेट डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज बाई हंड्रेड ऑफ परसेंटेज पॉइंट सो लार्ज इन्फ्लेशन डिफरेंसेस मस्ट बी ड्यू टू द मनी सप्लाई नॉट मेरेली नॉट मनी डिमेंड ओके इसको एक डायग्राम से हम देखते हैं इस डायग्राम में ऑरिडेंटल एक्सेस पर मनी ग्रोथ लिया है और वर्टिकल एक्सेस पर इन्फ्लेशन रेट ये वही यूरोपियन कंट्रीज़ का 1995 से 2001 के दौरान का डाटा उसको यूज़ किया गया तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो कंट्रीज़ हैं खासतौर पर अगर आप इन कंट्रीज़ को देखें जिनमें मनी ग्रोथ जो मोर देन 80 परसेंट थी और इनमें इन्फ्लेशन भी मोर देन 80 परसेंट था टर्की बलगेरिया एंड बेलारस जो है कंट्रीज़ तो ये वो मुल्क हैं जहाँ पर मनी ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया अदरवाइज़ बाकी मुल्कों में जिनमें मनी ग्रोथ कम थी इन्फ्लेशन भी उसमें कम रहा है तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब मनी ग्रोथ इन्फ्लेशन को काज करती है तो फिर हुकूमतें क्यों फिर अलाउ करती हैं कि वो मनी सप्लाई को बढ़ जाए इसकी क्या रीज़न होती है इसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ात गवर्नमेंट्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होती कि वह अपने जो भी उनके स्पेंडिंग्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए आप जानते हैं ऑप्शंस क्या होती है गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है टैक्स लगाने की ऑप्शन लिमिटेड होती हैं बस कर... और दूसरी ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट कहीं से कर्ज़ ले सकती है तो वो ऑप्शन भी अगर ना उससे मैसर हो तो फिर उसके पास ये मनी सप्लाई को इनक्रीज़ करके ही एक सोर्स बचता है जिससे वो अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर सकती है और ये ख़ास तौर पर वहाँ पर होता है उन इकोनॉमीज में जो पुअर इकोनॉमीज हैं जहाँ कल पॉलिटिकल अनरेस्ट है अनसर्टेनिटी है उस तरह की इकोनॉमीज में यूजुअली फिर गवर्नमेंट को पास यही ऑप्शन है कि वो नामिनल मनी सप्लाई में इजाफा करें और उसके नतीजे में डेफिनेटली फिर इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता थैंक यू वेरी मच